हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DSB मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि निंदा से घबरा कर कभी अपने लक्ष्य से मत भटक जाना, कि निंदा से घबरा कर कभी अपने लक्ष्य से मत भटक जाना, क्योंकि लक्ष्य हासिल होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सोल्व कर लिए थे। मैंने बताया थोड़ा लंबा सफ़र है इस एक्सरसाइज का, और आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट इस चैप्टर इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10th, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन उनके पार्ट ज़्यादा होने के कारण थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th और उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो लेट करो और क्या मान लो इसको, y मान लो, ठीक है ना। क्या मान लिया, लेट y इज इक्वल टू क्या मान लिया, e रेज टू पावर m, और कितना है cos इनवर्स x, और इनटू में कितना है sin x, ठीक है। सेम वही काम, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log ऑफ e रेज टू पावर m cos इनवर्स x, और इन टू में कितना है sin x, ये sin x इसकी पावर से अलग। फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है क्या, कौन सा, log m इंटू n, अगर बेस e हो तो क्या होता है log m, और प्लस में क्या होता है log n होता है, ओके। क्या हो जाएगा कि log y, ये तो एज इट इज, पावर आगे आ गई, कितना हो गया m cos इनवर्स x, सॉरी पावर आगे नहीं भाई, फॉर्मूला log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा log e रेज टू पावर m cos इनवर्स x प्लस log sin x, यही हो जाएगा ना ऊपर वाली आइडेंटिटी। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, कौन से का, log m रेज टू पावर n, क्या होता है n log m होता है, क्या हो जाएगा बोलो, log y m cos इनवर्स x एज इट इज, और क्या हो गया log e हो गया, ठीक है, और प्लस में कितना है log sin x, ठीक। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड करने से पहले log e कितना होता है, log e ये होता है 1, तो यहाँ 1 आ गया, मीन्स क्या हो गया ये log y इज इक्वल टू m cos इनवर्स x log e 1, और प्लस में कितना हो गया log sin x, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थी हमारे पास, और उसको हमने सिंपल भाषा में ये कन्वर्ट कर लिया। यहाँ क्या आपने क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। देन डेरिवेटिव ऑफ log y 1/y, एंड डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx, ठीक है। m एज इट इज cos इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 − x² विद नेगेटिव साइन, प्लस log sin x का 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, ठीक। तो फाइनली जो dy/dx आना है मेरे पास, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा dy/dx, ये जो y डिवाइड में है कहाँ आ गया, ये यहाँ पर y, और इनटू में कितना रह गया माइनस एम डिवाइड अंडर रूट 1 − x², और प्लस कोस बाय साइन क्या होता है कोट एक्स होता है, ठीक। क्या हो गया फाइनली, ये हो गया मेरे पास dy/dx इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है e रेज टू पावर m और कोस इनवर्स x, और इनटू में कितना है साइन x, ठीक है, और माइनस में कितना भाई m अंडर रूट 1 − x² और प्लस में कितना कोट x, ये एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8th और उसका पार्ट नंबर 1st, ठीक है, ओके। तो कर दें इसको इरेज, अगर बाद में आप सोल्व करो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, और फिर सोल्व करके इसके सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट क्या कहा है, सेकंड पार्ट में
इसने कहा कि हमारे पास e रेज टू पावर x स्क्वायर है, e रेज टू पावर कितना है x स्क्वायर। तो सेम काम लेट किया हमने और y इज इक्वल टू क्या मान लिया, e रेज टू पावर x स्क्वायर और टेंजेंट इनवर्स x और कंप्लीट के डिवाइड में कितना है 1 प्लस x स्क्वायर। सेम काम क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन लॉग y इज इक्वल टू log of e रेज टू पावर x स्क्वायर और टेंजेंट इनवर्स x और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है हमारे पास 1 प्लस x स्क्वायर ये टर्म। ठीक, कौन सा हो गया ये log m by n, क्या हो गया log m by n, क्या होता है log m माइनस में log n, यही ना होता है, क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा log y और ये होगा log m, m कितना है बोलो e raise to power x square और tangent inverse x माइनस log n, तो माइनस में log n, n कितना है root 1 प्लस x square। ठीक, यहाँ फिर से फॉर्मूला किसका भाई, log m into log n का, क्या होगा बोलो, log y तो as it is, log e x square प्लस log tangent inverse x और माइनस में इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस x square raise to power 1 by 2। ठीक है, अब फॉर्मूला log m raise to power n, जब तक सोल्व कंप्लीट नहीं होता सोल्व करते जाइए, log y कितना हो जाएगा x square log e प्लस log tangent inverse x माइनस 1 by 2 आगे आ गया और log 1 प्लस x square। ठीक है, log e कितना होता है, ये होता है 1, तो इसको हमने 1 लिख दिया। ठीक है, 1 into x square, x square हो जाए। अब differentiating on both side with respect to x, then derivative of log y 1 by y and derivative of y dy by dx, derivative of x square 2x, derivative of log tangent inverse 1 by tangent inverse x and derivative of tangent inverse x is 1 by 1 plus x square minus 1 by 2 derivative of log x 1 by 1 plus x square and derivative of 1 plus x square is 2x, 2 से 2 cancel हो गया। ओके, क्या आ गया फाइनली, फाइनली हमारे पास आ गया dy by dx, ये वाला y डिवाइड में है तो इस साइड आके मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 by 1 plus x square और टेंजेंट इनवर्स x और माइनस में कितना है, माइनस में है x, x अपॉन में कितना है 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, हेयर y इज इक्वल टू ये वैल्यू रख देना, बस क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा, चाहो तो इसमें से और इसमें से x कॉमन लेके इसको सोल्व भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है कि कोई वैल्यू ऐसी आ जाए, हाँ हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, y e रेज टू पावर x स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x और डिवाइड में कितना है 1 प्लस x स्क्वायर, ये तो y की वैल्यू, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस x स्क्वायर माइनस x और डिवाइड में 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया 1 प्लस x स्क्वायर और इनटू में टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, अब 2x में से एक x घटा दो कितना रह जाएगा, x रह जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। ठीक है, और चाहो तो फिर 1 प्लस x के टेंजेंट इनवर्स x भी कंप्लीट भी आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, फिर देख लेना क्या होता है ये, अदरवाइज आप इतना भी इसको छोड़ सकते हैं कि 2x में से x घटाएंगे तो यहाँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x। ठीक है, और चाहो तो फिर आप जो है इसका कंप्लीट का भी इसका एलसीएम ले सकते हैं कि शायद कुछ ना कुछ टर्म कैंसिल होगी, नहीं होगी, क्या था भाई यहाँ ये था ना हमारे पास, ना कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें से, तो इसको इतना ही छोड़ दें। ठीक है, या जैसे भी आपका आंसर मैच होता हो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे, क्या कहा है कि डिफरेंशिएशन करना है हमने, किसका भाई डिफरेंशिएशन करना है हमने, y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू रूट एक्स 2x प्लस 3 रेज टू पावर 2 और डिवाइड में कितना है रूट एक्स प्लस 1।
taking log on both side, so then it become log y log of root x 2x plus 3 whole square, और डिवाइड में कितना है रूट x प्लस, और कितना हो गया कि log y इज इक्वल टू log ऑफ रूट x 2x प्लस 3 रेज टू पावर 2 माइनस में log ऑफ रूट x प्लस 1। log m बाई n बहुत बार बता लिया मैंने, तो log y कितना हो गया बोलो, log रूट x प्लस log 2x प्लस 3 रेज टू पावर 2 माइनस log x प्लस 1 रेज टू पावर 1 बाई 2, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1 बाई 2। ठीक, क्या हो गया, log y 1 बाई 2 log x 2 log 2x प्लस 3 माइनस 1 बाई 2 log x प्लस 1। ओके, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन डेरिवेटिव ऑफ log y 1 बाई y एंड y dy बाई dx, 1 बाई 2 एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस 2 एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई, ठीक है, और इंट में 2x प्लस 3 का 2 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 डेरिवेटिव ऑफ log x x प्लस 1। ठीक, फाइनली क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया dy बाई dx, ये y यहाँ आ गया, और 1 बाई में 2x प्लस 4 बाई में 2x प्लस 3 माइनस 1 बाई में 2x प्लस 1। बस आपने करना क्या है, यहाँ y की वैल्यू रख लेनी है, आंसर आ जाएगा। ओके, कर लेंगे ना, आगे बढ़िए, कौन सा पार्ट भाई, पार्ट नंबर फोर्थ। तो पार्ट नंबर फोर्थ में क्या कहा कि सर जी आपने डेरिवेटिव करना है किसका, y इज इक्वल टू क्या है बोलो, x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रेज टू पावर कितना है 1 बाई 2। ओके, क्या होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y log x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रेज टू पावर 1 बाई 2, यही हो गया ना। ध्यान दें, log m रेज टू पावर n क्या होता है, log y पावर आगे आगे 1 बाई 2, और log ऑफ कितना हो गया ये x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में कितना हो गया 5। ठीक है, कितना हो गया, log y 1 बाय 2 log m x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log n 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, क्या होगा कि log y 1 बाय 2 log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो ध्यान दो स्टार्टिंग में कितनी डिफिकल्ट स्टेटमेंट थी और अब कितनी इजी हो गई, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, देन log y का तो 1 बाय y और y का dy बाय dx 1 बाय 2 एज इट इज कितना हो गया 1 बाय x माइनस 3, यहाँ पर हो गया कितना 1 बाय x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, यहाँ पर कितना हो गया 1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का क्या होगा 6x, 4x का कितना होगा 4। ठीक है, बस फाइनली क्या होगा कि dy बाय dx और ये वाला y यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और y की वैल्यू ये रख देना, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कर लेंगे। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन एट्थ, और क्या कह रहे हैं वो, इसमें भी जरा सी डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, तो पहले स्टेटमेंट को सॉल्व कर लें, और मैं बता दूं एक्सरसाइज 7.1 में भी सेम क्वेश्चन था, बट वहाँ पर लॉगरिथम हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव नहीं करवाया था, तो ऐसा नहीं है कि उस फार्मूले को इस मेथड से नहीं कर सकते, कर सकते हैं फार्मूले को, सॉरी क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाय 2, नीचे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
रेज टू पावर 1/2 इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर रेज टू पावर 1/3 1/3 है ना, क्योंकि क्यूब रूट है, और एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर रेज टू पावर कितना है 1/3। ऊपर ले जाओ कितना हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर 1/2 ये वाली ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर रेज टू पावर माइनस 1/3। ठीक है, ओके, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर रेज टू पावर 1/2 नीचे लेके आओ, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर रेज टू पावर माइनस 1। क्यों किया है ये, क्योंकि ये टर्म जो है इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसलिए जब पावर एक जैसी हूँ ए रेज टू पावर एम और a रेज टू पावर n हो, तो a रेज टू पावर m प्लस n बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर रेज टू पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। नीचे एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/3। ओके, और ज़्यादा सोल्व कीजिए तो कितना आ गया, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर रेज टू पावर 6 सेल्सियम, तो 1/6 सिक्स एल्सियम, तो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर 1/6। फाइनली आ क्या गया हमारे पास, हमारे पास आ गया कि y इज इक्वल टू लेट किया हमने और एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर और डिवाइड में एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर रेज टू पावर 1/6। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो देन इट बिकम लॉग y और ये हो जाएगा 1/6 आगे, और लॉग कितना हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर और डिवाइड एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। पता लग गया ना 1/6 क्यों आ गया, क्योंकि लॉग एम रेज टू पावर एन है, तो लॉग वाई ये तो एज इट इज 1/6 और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। इजी हो गया थोड़ा सा, डेरिवेटिव कीजिए लॉग वाई का 1/y और वाई का dy/dx। ठीक, यहाँ पर 1/6 कितना हो गया, 1/x² प्लस ए स्केयर एंड एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर का डेरिवेटिव 2x। ओके, माइनस डेरिवेटिव 1/x² माइनस ए स्केयर एंड डेरिवेटिव एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर का क्या हुआ, 2x। ठीक, तो dy/dx y चला गया कहाँ, यहाँ पर, तो y/6 कॉमन आ गया 2x, कितना रह गया 1/x² प्लस ए स्केयर माइनस 1/x² माइनस ए स्केयर। सोल्व करते जाइए जब तक कंप्लीट सोल्व नहीं होता है। तो ये आ गया भाई dy/dx इज इक्वल टू y कितना था हमारे पास, और इंटू में 2x भी है, तो 2x और y है x² प्लस ए स्केयर बाय में x² माइनस ए स्केयर रेज टू पावर 1/6 और y में कितना है 6 है, इंटू में यहाँ आइए एलसीएम ले a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो हो गया x रेज टू पावर 4 माइनस a रेज टू पावर 4 a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x² माइनस ए स्केयर और माइनस में क्या होगा x² और माइनस में ए स्केयर, यही हो गया ना, इससे ये वाली टर्म कैंसिल, 2 से ये भी कैंसिल, तो कितना हो गया x/3 x² प्लस ए स्केयर बाय में कितना x² माइनस ए स्केयर, यहाँ हो गया कितना माइनस के 2a² और बाय में x रेज टू पावर 4 माइनस में, इसको फाइनली ये भी लिख सकते हैं x² माइनस में कितना a² और x² प्लस a² लिख सकते हैं ना, ये इसलिए लिखा था कि ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, क्या हो गया अब इससे, ये वाली टर्म कैंसिल, ऊपर रह गया माइनस के 2a² एक्स डिवाइड में 3, नीचे कितना हो गया x² माइनस ए स्केयर का होल स्केयर, ये क्या आ जाएगा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, कर लेंगे। तो ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, और 8 के 5 पार्ट थे, 5 के 5 हमने क्या कर लिए हैं सॉल्व कर लिए हैं, अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा है कि x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x बाय y, और प्रूफ करना है कि हमने कि डेरिवेटिव जो होगा dy/dx वो क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन x log x। ठीक है, तो क्या है x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x बाय y। ठीक, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड,
ठीक, क्या हो गया, log x इज इक्वल टू log ऑफ e रेज टू पावर x बाय वाई, और ये हो गया हमारे पास log x इज इक्वल टू कितना, x बाय वाई तो आ गया आगे और इनटू में log e, यूजिंग आइडेंटिटी log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। ठीक, log e कितना होता है, log e होता है 1, तो log x किसके इक्वल आ गया, x बाय वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको मान ली। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y log x किसके इक्वल आ गया, x के, फाइनली जो y है वो किसके इक्वल आ गया, x बाय में log x। यहाँ क्या आपने डेरिवेटिव कर देना, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन डेरिवेटिव ऑफ y इज dy वाई बाई डी एक्स यूजिंग कोशेंट रूल, तो क्या होगा, log x स्केयर, log x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस x एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ log x, सॉरी माइनस होता है, यहाँ कोशेंट रूल लगा दिया, सॉल्व किया हमने, कितना हो गया, log x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई x डिवाइड log x होल स्केयर। ध्यान दो रिजल्ट हमने ये लेके आना है, y का भी यूज़ है ना, तो इसका मतलब 1 का यूज करेंगे यहाँ के हम, कितना हो गया log x माइनस में इससे ये 1 पे कैंसिल, माइनस 1 और डिवाइड में हो गया log x का होल स्केयर। ठीक है, ओके, तो log x की जगह कितना रख सकते हैं हम, x बाय वाई, तो log x की जगह रख दिया हम कितना, x बाय वाई, आ जाएगा ना रिजल्ट निकल के, x माइनस में y, x बाय वाई रखें log x की जगह, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, x बाय वाई माइनस 1, ऊपर कितना चाहिए है, x माइनस वाई। ठीक है, और डिवाइड में हमें चाहिए है कितना, log x, x log x, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, एक log x, एक log x माइनस वाई हो गया, और डिवाइड में है हमारे पास कितना, log x स्क्वायर, एक मिनट थोड़ा सोल्व कर लें हम इसको, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास ऊपर तो कितना हो गया, x माइनस वाई, और y इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, कितना हो गया, log x और इसका होल स्क्वायर, log x और इसका होल स्क्वायर, अब y की वैल्यू ये रख दें यहाँ से, क्या आ जाएगा बोलो, x माइनस वाई, ये तो एज इट इज, x माइनस वाई ये एज इट इज, ठीक है ना, और y की जगह कितना रख दिया, x y में कितना, log x और इंटू में कितना है, log x का होल स्क्वायर, तो इससे एक ये कैंसिल हो गया, तो आ गया ना रिजल्ट, x माइनस वाई अपॉन में x log x, यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, इसको क्या मान लें, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें, तो आप ये लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हेयर एंड यूजिंग इक्वेशन सेकंड हेयर। ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, तो इस तरीके से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्या है इसमें सेकंड पार्ट में, कि डेरिवेटिव करना है हमने किसका भाई, वाई रेज टू पावर एक्स और कितना है, ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स, और रिजल्ट हमें ये चाहिए। ओके, तो कितना है, वाई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो देन लॉग ऑफ वाई रेज टू पावर एक्स लॉग ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स। ओके, तो एक्स लॉग वाई फॉर्मूला लगा दिया, वाई माइनस एक्स और इंटू में लॉग ई, ठीक है, लॉग ई वन होता है, तो एक्स लॉग वाई और ये हो गया वाई माइनस में लॉग एक्स। ठीक है, एक्स को इस साइड लेके आओ, तो एक्स लॉग वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स कॉमन ले लिया तो कितना रह गया, लॉग वाई प्लस वन इज इक्वल टू वाई, और एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई डिवाइड में वन प्लस में कितना, लॉग वाई। ठीक है, हम नज़दीक ही हैं रिजल्ट के, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो लिख देता हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स बाय डी वाई, यहाँ पर कीजिए कितना हो गया, वन प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर कोशेंट रूल, और वन प्लस लॉग वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, क्या हो जाएगा, 1 प्लस y एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस log y इज 1 बाय y, यही होगा ना,
कुछ गलत तो नहीं लिखा हमने, ठीक लिखी है सारी वैल्यू। ओके सॉल्व कीजिए इसको, ये कैंसिल हो गया, कितना रह गया ऊपर, ऊपर रह गया हमारे पास डी एक्स बाई में कितना डी वाई, डी एक्स वाई में कितना डी वाई, और किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास वन प्लस में कितना लॉग वाई, वन प्लस में लॉग वाई, और प्लस में यहाँ पर कितना रह गया वन, और डिवाइड में, डिवाइड में रह गया अभी हमारे पास वन प्लस लॉग वाई और इसका होल स्क्वायर, ये रह गया ना। हमें क्या चाहिए है, हमें तो चाहिए है, ओहो सॉरी, यहाँ पर क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल, उल्टा कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो गया वन प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर ऊपर चला गया और नीचे कितना आ गया लॉग वाई, और यही हमने क्या करना था वेरीफाई करना, कर लेंगे तो इजी है बिल्कुल, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10th, ये स्टेटमेंट दे रखी है और प्रूफ मैंने ये करना है, ठीक है। तो इससे पहले भी आया था एक्सरसाइज में क्वेश्चन, तो y इज इक्वल टू किसके हैं, x रेज टू पावर x रेज टू पावर x रेज टू पावर x अप टू इन्फिनिटी, तो मैंने बताया था जब सेम स्टेटमेंट स्टोर हो तो वहाँ से y मान लो, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू x रेज टू पावर y, ठीक है ना। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स क्या हो गया लॉग y लॉग x रेज टू पावर y, ओके लॉग y एज इट इज क्या हो जाएगा पावर आगे आ गई और कितना हो गया लॉग x, यही हो गया ना, यही हो गया डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, या तो एक काम करो सीधी सी बात है हमारे पास लॉग x की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, या डेरिवेटिव कर दे कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा वन बाई वाई, और y का कितना हो गया dy वाई बाई डी एक्स, वाई एज इट इज लॉग x का वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और y का कितना हो गया dy वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। अब dy वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, तो dy वाई बाई डी एक्स तो एक तरफ, कितना रह गया यहाँ, यहाँ रह गया वन बाई वाई माइनस में कितना हो गया लॉग x, राइट हैंड साइड में कितना है y बाई एक्स, dy वाई बाई डी एक्स एज इट इज, एलसीएम लो इसका कितना हो गया y, y हो गया ना, y हो गया, कितना आ जाएगा 1 माइनस के y log x इज इक्वल टू y बाई एक्स, सारे मार्कर ख़राब हैं भैया, फाइनली ये हो जाएगा मेरे पास कितना कि dy वाई बाई डी एक्स, इस साइड आगे कितना हो गया y स्केयर ही हमें चाहिए है, डिवाइड में x और इनटू में कितना हो गया 1 माइनस में log x, और यही हमने क्या करना था प्रूफ करना, कर लेंगे ना। ओके तो लास्ट पार्ट भाई क्या कहा है कि डेरिवेटिव करना है हमने किसका, y इज इक्वल टू cos x रेज टू पावर cos, और ये जो है चलता जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेट किया y इज इक्वल टू cos x और जहाँ से सेम स्टेटमेंट हो वहाँ y मान लेना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्या हो गया log y, ये कितना हो गया log ऑफ cos x रेज टू पावर y, और ये हो गया log y y log cos x, differentiating on both side with respect to x, then derivative of log y 1 by y and derivative of y dy by dx, y as it is derivative of log x 1 by cos x and derivative of cos minus sin x plus log cos x as it is derivative of y dy by dx, ध्यान दो कौन सा रूल लगाया है प्रोडक्ट रूल, तो dy by dx कॉमन कितना रह गया 1 by y, इसको इस साइड लेके आए तो कितना रह गया माइनस में लॉग ऑफ कितना है कॉस एक्स, यहाँ कितना रह गया माइनस वाई, साइन बाय कॉस क्या होता है टेंजेंट एक्स, ठीक ये हो गया मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स वन माइनस में वाई लॉग कॉस एक्स और डिवाइड में कितना है वाई, और किसके इक्वल है माइनस वाई और टेंजेंट एक्स, ठीक है यही हो गया ना। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, फाइनली dy वाई बाई डी एक्स आ गया मेरे पास कितना माइनस वाई स्केयर टेंजेंट एक्स और डिवाइड में कितना हो गया वन माइनस में लॉग कॉज एक्स, और यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था, कर लेंगे। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज कौन सी 7.6 जो कि हमने कंप्लीट कर ली है, तो इससे अगला लेक्चर होगा 7.7 जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।